देखो बच्चों, नवोदय में इस तरीके के भिन्नों के प्रश्न आते हैं और अलग अलग तरीके के हमने देखे हैं तीनों प्रश्न कैसे अलग अलग तरीके। ये साधारण भिन्न वाले हैं, ये मिश्रित भिन्न वाले हैं, ये मिश्रित भिन्न वाले हैं। बहुत से में ये मिश्रित नहीं बनाई है तो यहाँ पर आके घूम जाओगे आप कि अब हम क्या करें। तो घूमने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों क्वेश्चन बताना है बारी बारी से। देखो पहला सवाल, पहले में 4, 8, 4, 2 इनका एलसीएम लेंगे। हम चाहे डायरेक्ट लिख देंगे 8 आएगा इसका, कितना आएगा, लेकिन हम एलसीएम निकाल के दिखा रहे हैं आपके लिए। पहले 8, 4, 2 का एलसीएम, 2 से काटो, 2 चौक 2 दूनी 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 एकम 1 1। देखो 2 × 2 × 2 कितना आ गया, 8 डायरेक्ट। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो 8 इससे भी कट जाएगा, 8 इससे भी कट जाएगा, तो इसका 8 आ जाएगा। इस तरीके के अंक आ जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी क्या होगा, टाइम की बचत होगी आपकी पेपर में। नंबर तो हम इसको अब एलसीएम को यह मिटा दे रहे हैं और सवाल करते हैं। 8 आ गया इसका एलसीएम। देखो ध्यान से बच्चों, 8 है, लिख लो, लिख लोगे। अब ये इस 8 को इस 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा, 8 × 7 ऊपर ये वाले 7, और जो चिन्ह है माइनस का और माइनस लगा दिया, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। यह 8 है, 8 को भाग करो 4 से, 4 × 8 2 × 1 यह प्लस है, क्या चीज है ये, प्लस। इसको भाग करेंगे 2 से, 2 × 4 8 ऊपर कितने हैं, 3। बोलो ये स्टेप समझ में आ गई सबकी। अब चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा सबको, ध्यान से देखना, 7 × 7 चिन्ह माइनस का है, 2 × 2 प्लस 4 × 3 = 12 बटे 8। अब सुनो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखो प्लस प्लस के जो होते हैं वो प्लस जोड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं प्लस। देखो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसके आगे प्लस होता है, ये दिमाग में फिट कर लेना, जिसके आगे कोई साइन नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं होगा, उसके आगे प्लस होगा। तो प्लस के 7 और प्लस के 12 कितने हो गए, 19 प्लस के, माइनस के 3, 2 जैसे तैसे बटे 8 घटा दो, 17 बटे 8। बोलो किसके समझ में आए, अगर ये आंसर नहीं दिया हो तो क्या करोगे, भाग करोगे। देखो 8 × 16 कितने बचे, 1 ऊपर लिख दो 8, ये भी आंसर हो सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा ना, वो देखा कौन सा है, नहीं क्वांटिटी अगर टिक लगाना है, समझ गए। नेक्स्ट ये वाला सवाल, अब इसमें क्या है, इसमें मिश्रित भिन्न है, कैसे भिन्न है ये, तो इसको पहले सही बनाएंगे, तो सही बना पाए 4 × 12 प्लस 2 / 3 ये वाली चीज सही हुई है, प्लस ये वाला 3 × 9 प्लस 2 / 3 माइनस 5 × 30 और प्लस 1 / 6 लाओ सही करो, ये हो गया आपका 14 / 3 प्लस ये हो गया 11 / 3 ये हो गया माइनस 31 / 6। आप देखो फिर आ गई ऐसी सिचुएशन, यहाँ तीन से ये कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 कितना आ जाएगा, चाहे तो आप निकाल के बता दे रहे हैं 3 3 6 का 3 1 1 2 दो से काट दो 6 एलसीएम आ गया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पेपर में, जिससे कि आपकी टाइम की बचत होगी। तो इसका एलसीएम आ गया बच्चों 6, यानी दिया 3 × 6 2 यहां लिखो और 14 यहां प्लस 3 × 2 यहां लिखो 11 यहां प्लस 6 से 6 कट जाएंगे 31 आया, सॉरी माइनस है, यहां क्या है
यहां पर क्या चीज है, माइनस कर रहे हैं, और ये है 31। समझ आया यहां पर? यस सर। अच्छा अब आगे चलते हैं, देखो मक्खी आ गई, कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करो। 28 14 दुनी 11 दुनी 22 माइनस 31। अब यहां पर देखिए सॉल्व करने में बच्चों को परेशानी हो जाती है, यहां पर एक है, कोई बात नहीं। तो अब इसको यहां पर परेशानी जाती है, मैंने अभी बताया जिसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, तो 28 और 22 को जोड़ो पहले, 10 50 कितने हो गए, 50 माइनस 31 बटे 6, 31 घटा दो 9, 19 कितने बचे, 19 बटे 6। अब ऐसा आंसर नहीं दिया फिर क्या करोगे, भाग करोगे, हाँ क्या करोगे, भाग करो, 6 3 18 बचा 1 6, ये आंसर हो सकता, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, ये वाला, इसमें देखो इसे सही करो, 4 7 28 प्लस 5 बटे 7 माइनस, ये कुछ नहीं करना, 19 बटे 21 ही लिखना है, माइनस 3 6 और 7 डायरेक्ट लिख देना, चलो लिख दिया, यहां पर कर देना प्लस, कितने हो गए ये 33 बटे 7 माइनस 19 बटे 21 माइनस 7 बटे 3। अब बताओ एक सी सिचुएशन है, कितना आएगा एलसीएम, 21। हाँ इनका 21 आएगा एलसीएम, डायरेक्ट 21 लिख दो, 7 3 21 इसकी इसकी 33 लिखो, गुणा 3 से गुणा कर दो, माइनस 21 एकम 21 1 गुणा 19 माइनस 7 गुणा 7 हल करो, 3 3 9 3 3 9 19 एकम 19 और माइनस 7 7 अब यहां पर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, अब क्या करेंगे, यहां पर कौन कौन से जुड़ेंगे, कौन बताएगा, 19 और 49 आपस में जुड़ेंगे, देखो 19 को 49 में जोड़ो, 18 5 और 1 6 99 माइनस 68 बटे 21 घटाओ, हाँ 99 में से कितने घटाएंगे, जगह है कोई, हाँ 99 में से 68 घटा दो बच्चों, कितने बचे 1 और 3 कितने बचे, 31 बटे कैसे, आ गया कितने बचेंगे, 31 में से घटाओ 10 कितने बचेंगे, 10 बटे 21 आंसर। थैंक यू वेरी मच।